हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट है। अगले कुछ दिनों के लिए अगर आप अनअकैडमी प्लस का प्लान लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा। जो रेगुलर आपको ऑफ मिलता है उससे ऊपर 15% है बैंकिंग, एसएससी और रेगुलेटरी बॉडीज कैटेगरी में। मान लेते हैं आप एसएससी का प्लान चूज करते हैं 2 साल का, तो जनरली जो प्लान आपको 7800 का पड़ता है वो प्लान अगर आप डिस्काउंट कोड PMYT का इस्तेमाल करेंगे और लेंगे तो आपको 6000 से भी कम का पड़ेगा। साथ में क्रेडिट्स हो वो भी लगा देना, उससे आपको रेट और कम पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना है जो एसएससी का प्लान है इसमें पूरी एसएससी कैटेगरी इंक्लूडेड है। जितने बैचेस 17 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, जो 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे के सारे बैचेस इंक्लूडेड हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज एसएससी कैटेगरी के वो सब के सब टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। जितने मॉक टेस्ट हैं सभी क्लासेस के PDFs इंक्लूडेड हैं। आपको बस अपना 2 साल का प्लान चूज करना है और डिस्काउंट कोड PMYT का इस्तेमाल करना है। वैसे ये जो डिस्काउंट कोड है ये आपका हर कैटेगरी में हर ड्यूरेशन के लिए प्लान के लिए लागू है। आप चाहें तो 1 साल 6 महीने का प्लान भी ले सकते हैं, बट बेस्ट प्लान जो मैक्सिमम बच्चे लेते हैं वो 2 साल का है। आप इसे चूज करें और अपना मैक्सिमम डिस्काउंट लेके प्लस पे आके अच्छे से हमारे साथ मिलके अपनी तैयारी करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सभी से क्लासेस में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप UPSC, SSC, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, NEET किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला वर्ड आपके सामने है एबरेशन। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड इज एबरेशन। क्या होता है एबरेशन, क्या मीनिंग है एबरेशन का, बताइए। इजी पीजी, ओके। एबरेशन का मतलब बताइए आप लोग। हाँ जी, एबरेशन होता है आपका इररेगुलरिटी। एबरेशन हो गया कि नहीं हो गया, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। कोई भी इररेगुलरिटी बिहेवियर में कह लो आप, रिस्पॉन्स में कह लो, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई भी जो इररेगुलरिटी होगी उसको आप बोलोगे एबोरेशन, ओके। चलिए, एबोरिजाइंस क्या होता है फटाफट से बताओ, एबोरिजाइंस। हाँ जी, अब मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल प्री में ये वर्ड का सिनोनियम पूछा गया था, मतलब इस वर्ड्स के बाकी सिनोनियम्स में से मैं बताती हूँ आपको क्या पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, एबोरिजाइंस क्या होता है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। और क्या बोलते हैं, आपने बोला नेटिव, बिल्कुल करेक्ट है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलियन। हाँ जी, किसी जगह पे जो लोग नॉर्मली रहते हैं उनको बोलते हैं एबोरिजाइंस, डेनिजेंस आप बोल दीजिए, ठीक है। हाँ जी, एलबाई क्या होता है, थर्ड वर्ड आपके सामने है एलबाई। क्या होता है एलबाई, या एलबी बोलते हैं वैसे, करेक्ट है एलबाई। हाँ जी, एलबाई होता है आपका क्लेम ऑफ बींग समवेयर एल्स, ठीक है। बहाना आप इसको कह सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बहाना। क्लियर हुआ। अब जैसे कि कोर्ट में अगर कोई बोले कि आपने सो एंड सो का मर्डर किया है और वो पर्सन बोले आई हैव एन एलिबाई, इसका क्या मतलब है, उसके पास एक प्रूफ है कि उस टाइम पे वो किसी और जगह पर था, पर्टिकुलरली। बिल्कुल सही एक्सक्यूज, बहुत ही बढ़िया। एलियनेट क्या होता है, ये आपके सामने एक वर्ड है एलियनेट। हाँ जी, द वर्ड इज एलियनेट, दुश्मन। हाँ, दुश्मनी से रिलेटेड है। एलिनेट होता है आपका टर्न फ्रेंड्स इंटू एनिमीज, टर्न फ्रेंड्स इंटू एनिमीज, दोस्ती को दुश्मनी में बदल देना, दोस्तों को दुश्मनों में, ठीक है, एलिनेट। फिफ्थ है आपके सामने एनोनिमस। हाँ जी, एनोनिमस, आपने न्यूज़पेपर में जब आपने पढ़ा होगा कोई पोयम लिखी होती है हिंदी इंग्लिश, लास्ट में लिखा होता है एनोनिमस, तो इसका क्या मतलब है, नो नेम, बहुत ही बढ़िया, बियरिंग नो नेम, करेक्ट। गुमनाम, अनामिका, एरेबल। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ वर्ड आपके सामने है एरेबल। क्या होता है एरेबल, हाँ जी, एरेबल बताओ, इसका सिनोनिम भी आपको बताने हैं। एरेबल एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फर्टाइल। बहुत ही बढ़िया राहुल, वेरी गुड। हाँ जी, तो एरेबल होता है आपका सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्लियर हुआ। हाँ जी, आपका डाउट जो है मुझे मिल चुका है, आई विल आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन, आपके सारे डाउट्स में एट द एंड ऑफ द सेशन आंसर कर दूंगी, ओके प्रांशु। चलो सेवंथ देखो, एरिड। एरिड क्या होता है, द गिवन वर्ड इज एरिड। क्या होता है एरिड, बैरन, बहुत बढ़िया। बैरन
थोड़ा सा अलग हो जाएगा. एरिड होता है हैविंग लिटिल और नो रेन. कोई भी जगह जहां पे ना के बराबर बरसात हो उसको बोलेंगे एरिड ड्राई. वेट और मॉइस्ट इसके एंटोनियम हो जाएंगे. हां जी बहुत बढ़िया. ड्रॉट की सिचुएशन. असेसिन कौन होता है भाई? 8th क्वेश्चन. असेसिन. हां जी असेसिन क्या होता है बताओ? असेसिन कौन होगा? नहीं लीडर नहीं होता है. हु मर्डर्स अ बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी. अगर किसी को हायर किया जाए पॉलिटिकल पर्सनालिटी के मर्डर के लिए, ठीक है, इसको शूटर भी बोल देते हैं, बट ये जो पर्सन होगा ये स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पर्सन को अगर मर्डर करे उसको बोलेंगे असैसिन. हाँ जी सुपारी. हाँ सुपारी देते हैं ना. नाइन्थ देखो ऑटोप्सी क्या होता है. ऑटोप्सी क्या होगा? ऑटोप्सी दो वर्ड्स होते हैं आपके सामने. एक होता है ऑटोप्सी और अगर इसमें इसके सिनोनिम एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम होता है बायोप्सी. क्या डिफरेंस है दोनों में? हां जी शिवानी वेरी गुड. देखो ऑटोप्सी होता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यू, पोस्टमार्टम आप इसको कह सकते हैं. हां जी और बायोप्सी होगा, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ. बायो का मतलब क्या? लाइफ. तो बायोप्सी होगा एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू. हां जी गुड इवनिंग दिलचात. हाँ जी मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. टेंथ देखो बेवी. बेवी क्या होता है बताओ? हेलो ग्रुप ऑफ गर्ल्स. देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं दोनों ही आ चुकी हैं एग्जामिनेशन में. पहला ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस. हालांकि ये चीज क्राउड हो जाएगी बट फिर भी पेपर में दोनों डेफिनेशन आ चुकी है तो आपको दोनों में अगर दिख जाए ना बेवी ऑप्शन तो बेशक से टिक कर देना. हाँ जी टॉकेटिव बिल्कुल बढ़िया. चलो इलेवेंथ वर्ड आपके सामने है बाइनियल. क्या होता है बाइनियल? हाँ जी बाइनियल क्या होता है? गैरुलस टॉकेटिव बहुत बढ़िया सत्यम. इलेवेंथ बताओ बाइनियल. बाइनियल होता है वंस इन टू इयर्स. अच्छा मुझे फटाफट से ये बताओ ये इसको द्विवार्षिक बोलते हैं. कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि साल में दो बार, बट ऐसा नहीं होता, उसको बोलेंगे हाफ ईयरली. ठीक है अब मुझे फटाफट से ये बताओ जो एक साल में एक ही बार हो उसको क्या बोलेंगे? जो एक साल में एक ही बार हो उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी जो एक साल में एक ही बार हो क्या बोलेंगे उसको? एनुअल. ठीक है चलो ट्वेल्थ देखो बायोप्सी. बायोप्सी अभी हमने एक्सप्लेन किया है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ. अच्छा मुझे बायोलॉजी का मतलब बताओगे? बायोलॉजी क्या होता है? हाँ जी बायोलॉजी. देखो बायोलॉजी में एक तो वर्ड है बायो जिसका मतलब लाइफ, एक है लॉजी, ये बना है लोगों से यानी साइंस या स्टडी. तो स्टडी ऑफ लाइफ बिल्कुल बढ़िया. जीव विज्ञान वेरी गुड. ठीक है तो लाइफ में सब आ जाएंगे, प्लांट फ्लोरा फौना एवरीथिंग. चलो ब्लर्ब देखना. ब्लर्ब यहाँ पे लिविंग आएगा, डेड नहीं आएगा. डेड वाला तो ऑटोप्सी था. ठीक है लिविंग टिश्यू. ब्लर्ब होता है आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक फिल्म एटसेट्रा फॉर इट्स प्रमोशन. हाँ जी प्रोमो या टीजर रिलीज किया जाता है ना उसको बोल देते हैं ब्लर्ब. लेकिन टीजर या प्रोमो तो स्पेसिफिकली फिल्म के लिए, तो बुक के लिए भी अगर कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो उसको बोलेंगे ब्लर्ब. क्लियर हुआ? हाँ जी. 14 देखो बर्गलार. कौन होता है ये पर्सन? हाँ जी कौन है ये भाई साहब? एपिटम. एपिटम अलग चीज है. हाँ जी आपको पता है एपिटम और इंसेक्ट में सेम रूट वर्ड है. बर्गलार. बर्गलार बताइए. थीफ बहुत बढ़िया. अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील. कुछ भी चीज चुराने के लिए वो दूसरे के घर में घुस जाए. ठीक है ब्रेक्स इनटू इसका क्या मतलब हुआ? ताला तोड़कर या जबरदस्ती घुसना, मतलब जबरदस्ती भी नहीं चोरी छुपे. ठीक है चलो 15th देखो कैप्साइज. क्या होता है कैप्साइज? हाँ जी डाका. बिल्कुल डाका नहीं सॉरी कैप्साइज बताओ क्या होता है? सिंकिंग ऑफ अ बोट और शिप. हाँ जी पलटना. बिल्कुल पलटना. आप ये समझो कैप्साइज. ठीक है तो बोट जा रही है पलट जाए सिंक. अच्छा मुझे एक बात बताना सिंक और ड्राउन क्या ये दोनों वर्ड्स सेम है? ये आपके सामने दो वर्ड्स हैं सिंक और ड्राउन. क्या ये दोनों वर्ड्स सेम है? हाँ जी फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक बहुत बढ़िया. कौन से साल में डूबा था टाइटैनिक बताओ? देखो लिव और डेड. हाँ जी दिनेश वेरी गुड.
देखो सिंक आपका स्पेसिफिकली यूज किया जाएगा नॉन लिविंग के लिए, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्राउन आपका लिविंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की बात होगी, किसी एनिमल की बात होगी, तो वो ड्राउन होगा और सिंक होगा पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट्स. हाँ जी. नहीं, 97 में तो नहीं डूबा, 1911 के आसपास था. चलो 16th देखो, कैरी केचर आपके सामने है. कैरी केचर 12, कैरी केचर आपके सामने है. क्या होता है कैरी केचर? अच्छा, न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हो, उसमें लास्ट में वो पॉलिटिकल एक पेज होता है ना, उसमें देखते हो आप लोग ये चीज. कैरिकेचर, अ पिक्चर ड्रॉन इन सच एन एग्जैजरेटेड, ये एक साथ है, सच एन एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर. हाँ जी. व्यंग्य, व्यंग्य होता है सरकैज़म. कार्टून विल बी द करेक्ट, बट कार्ट जैसे मोदी जी का है, सपोज करो कि उन्होंने, उनका कार्टून है और वो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड मैनर में ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो वो कैरिकेचर हो जाएगा. चलो 17th देखो, कैटेक्लाइज्म. कैटेक्लाइज्म क्या होता है? हाँ जी, कैटलिस्ट लाइक केमिस्ट्री. हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही. कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को तेज कर देता है. तो कैटेक्लाइज्म क्या है? सडन एंड वायलेंट चेंज. बहुत ही बढ़िया सत्यम. हाँ जी, सडन चेंज, बहुत बढ़िया वैशाली. 18th देखो, सेरेमिक्स क्या होगा? यू हैव दिस वर्ड सेरेमिक्स, व्हाट डज इट मीन? द गिवन वर्ड इज सेरेमिक्स. सेरेमिक्स क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स फ्रॉम क्ले. हाँ जी, घड़े या मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, उसको बोलेंगे. बिल्कुल. हाँ जी. कोअर्जन, अब ये देखो, ये वर्ड आपका कम से कम भी प्री और मेंस मिला के 6 बार पूछा गया है. कम से कम मैं बोल रही हूँ, CGL 18 का प्री और मेंस मिला लो कम से कम भी 6 बार. तो क्या होता, क्या है कोअर्जन? हाँ जी, बल दिखाना, भड़काना नहीं होगा सुप्रिया. जोर, देखो कोअर्स, कोअर्स आपका है, कोअर्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फोर्स करना. कोअर्जन बना नाउन, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट, ठीक है. चलो 20th, कंक्यूबिनेज. हाँ जी, ये वर्ड मैंने आपको मैरिज रिलेटेड वर्ड्स में कराया था. कंक्यूबिनेज क्या होता है? कंक्यूबिनेज फोर्स. वैशाली, डराना. हेलो. हाँ, कंक्यूबिनेज होता है लिविंग टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लिव इन. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, कॉन्ग्रेगेशन. कॉन्ग्रेगेशन क्या होता है? कॉन्ग्रेगेशन. हाँ जी, कॉन्ग्रेगेशन क्या होता है, फटाफट से बताओ. देखो ग्रीगेरियस आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका मतलब होता है सोशल. ऐसे नहीं बोलते कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है. तो कंग्रेगेशन में कहीं ना कहीं तो गैदरिंग की बात है, ठीक है. तो कोई भी रिलीजियस गैदरिंग होगी उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रेगेशन, ठीक है. कोई भी आपकी रिलीजियस गैदरिंग को हम बोलेंगे कॉन्ग्रेगेशन, ठीक है, धार्मिक. हाँ जी. चलो 22nd देखो, कॉन्स्टरनेशन क्या होगा? कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन, एक सेकेंड रुको, कॉन्स्टरनेशन. हाँ जी, कॉन्स्टरनेशन क्या होना चाहिए? फियर, डर, घबराहट, एक्साइटमेंट. फियर एंड एंग्जाइटी, ठीक है, फियर एंड एंग्जाइटी विल बी द करेक्ट. कोरोबोरेट 23rd, कोरोबोरेट. अब ये कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप डे टू डे कॉन्वर्जेशन में भी यूज कर सकते हो. कोरोबोरेट बताइए. हाँ जी, कॉन्टिन्यूस टेंशन बिल्कुल हो सकता है. देखो कोरोबरेट होगा किसी भी चीज को कंफर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ठीक है. अब जैसे गवाह मौजूद किए जाते हैं कोर्ट में, तो वो क्या है, वो क्या करते हैं, आके कोरोबरेट करते हैं, एविडेंस होता है कुछ ना कुछ, ठीक है. क्रूसेड, हाँ जी, क्रूसेड क्या होता है? क्रूसेड, द गिवन वर्ड इज क्रूसेड. क्या होता है क्रूसेड बताइए? वॉर ऑफ रिलीजन, रिलीजियस वॉर इसको बोल देते हैं. बिल्कुल, धर्म की लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. हाँ जी. चलो 25th देखो, डेलिनक्वेंट. डेलिनक्वेंट इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती है. डेलिनक्वेंट, डेलिनक्वेंट होगा हु कमिट्स माइनर क्राइम्स बट रिपीटेडली, बार बार छोटी छोटी गलतियां करे, ठीक है. लॉयर के साथ क्या वर्ब आनी चाहिए? कोरोबोरेट या कोरोबोरेट्स? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी भाई,
चलो 26th है डेंड्रोलॉजी, द गिवन वर्ड इज डेंड्रोलॉजी. अच्छा 25th का होगा डेलिंक्वेंट, कोई ऐसा पर्सन जो छोटे छोटे क्राइम बार बार करे, छोटे मोटे चोरों को बोल देते हैं, या घर में भी कोई कोई पर्सन जो छोटी छोटी गलतियां बट बार बार रिपीट करे, डेलिंक्वेंट, सो एंड सो पर्सन. ठीक है, डेंड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ट्रीज, बहुत बढ़िया. हाँ जी, ट्रीज का अध्ययन. इकोलॉजी अलग है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट. 27 देखो डर्मेटोलॉजी, ये आपके सामने वर्ड है डर्मेटोलॉजी. इसमें ये जो डर्म है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्किन. हाँ गर्मियों में आपने वो देखा होगा, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, डर्मी मतलब क्या, स्किन, जो स्किन को ठंडा रखे. हाँ जी बहुत बढ़िया, तो डर्मेटोलॉजी होगा स्टडी ऑफ स्किन, बहुत बढ़िया. हाँ जी डायाट्राइब, द गिवन वर्ड इज डायाट्राइब, ध्यान से समझना भाई. इस वर्ड का मैं आपको एक सिनोनिम भी बताऊंगी, हाँ ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है. डायाट्राइब होता है बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स. हाँ जी, नहीं नहीं रिटन प्रेज नहीं, डायट्राइब होगा आपका अटैक इन वर्ड्स. भाई ये समझ लो कि हाथ तो उठाया नहीं और कसर छोड़ी नहीं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन. ठीक है, ऑल्टरकेशन ध्यान रखना, ऑल्टरेशन अलग चीज है, ऑल्टरेशन कराना, ठीक है, लेकिन ऑल्टरकेशन होगा आपका डायट्राइब बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स. हाँ जी डंस, 29th वर्ड आपके सामने है डंस. क्या होता है डंस बताओ. हाँ, who is slow to learn, बहुत बढ़िया. करेक्ट. इवैज ड्रॉप, अच्छा अभी ऐसे हेडफोन्स लगा लिए और म्यूजिक बंद, बातें सुन रहे हो, हाँ जैसे आप लोग करते हो, बस स्लो टू लर्न. देखो वैशाली स्टूपिड एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन डंस क्या हो गया, वो धीरे धीरे समझे चीजों को. हाँ इवैज ड्रॉप होगा एक्ट ऑफ लिसनिंग सीक्रेटली, एक्ट ऑफ लिसनिंग सीक्रेटली. हाँ सोने की भी प्रटेंड करते हो ना बातें सुनने के लिए, वही चीज. चलो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने 31st, एल्यूसीडेट. 31st वर्ड इज एल्यूसीडेट, व्हाट डज इट मीन. कोई बात नहीं हो जाएगा बलप्रीत, एल्यूसीडेट का मतलब बताओ. अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, एल्यूसीडेट कर रही हूँ वर्ड्स को. हाँ जी एल्यूसीडेट टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, बहुत बढ़िया. 32nd देखना इम्पोर्टेंट है, इमेनिसिपेशन. देखो वर्ड्स आपके ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, सभी प्रीवियस ईयर करंट ईयर्स के वर्ड्स है. तो इमेनिसिपेशन होता है आपका, स्पेलिंग ध्यान रखना एन के बाद नहीं है आई, प्रोसेस ऑफ बींग फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और सोशल रेस्ट्रिक्शन. प्रोसेस ऑफ बींग फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और सोशल रेस्ट्रिक्शन, बस फ्री, मुक्ति. हाँ जी अखिल ये वर्ड्स याद कैसे रहेंगे आप, शांति से बिना इस टेंशन के कि इनको याद रखना है, बस सुनते रहो. बिल्कुल सत्यम, देखो मैं कह रही हूँ फैब का जो मंथ है वो पूरा आप लोगों के नाम है, ठीक है. आपको कोई भी डाउट हो, स्पेशल क्लासेस चलती रहेंगी, किसी भी क्लास में आके बोल देना मैम ये टॉपिक कराओ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर वो टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग. तो आपका कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन टैब में जरूर पोस्ट कर देना, ठीक है. एक मंथ रह गया है एग्जाम के लिए, तो जो भी टॉपिक आपको लगे कि कराना चाहिए आप क्वेश्चन टैब में पोस्ट कर दो, अकॉर्डिंगली आई टेक दैट टॉपिक. हेलो, हाँ तो देखो एम्पैथी, 33rd वर्ड समझो, एम्पैथी क्या होता है बताओ. हाँ जी एम्पैथी आपके सामने एक वर्ड है, मैं आपको 3-4 वर्ड सिखाऊंगी इस एक वर्ड से, बस ध्यान से सुनते जाना. हाँ जी अरे क्वेश्चन टैब में पोस्ट कर दो ताकि मुझे थोड़ा याद रहे, ऐसे तो कमेंट्स में गुम हो जाएगा. आपके सामने ये वर्ड है एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स ऑफ अनदर. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, इसको बोलते हैं एम्पैथी. तो आपने कुछ एक और वर्ड सुने होंगे, सिंपैथी, सुना है ये वर्ड. हाँ जी सिंपैथी, एंटीपैथी, अपैथी, और एम्पैथी तो हमने अभी पढ़ाई है. फटाफट से आपके सामने 4 वर्ड हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों की मीनिंग बताओ मुझे. हाँ जी टेलीपैथी, बिल्कुल सही सचिन, ये 5th हो गया. फटाफट से मुझे इन वर्ड्स की मीनिंग बताओ, इन सब में सेम रूट वर्ड का यूज किया गया है. अभी ध्यान से आप सुनोगे,
तो आपको ये वर्ड्स याद रह जाएंगे, टेंशन मत लेना, बस सुनते रहो। देखो इन सभी में एक जो कॉमन वर्ड है ना उसको बोलते हैं पैथोस। पैथोस आपको पता है क्या होता है? सफरिंग, ठीक है, सफर करना, सफर, दुख, दर्द, ठीक है, डिजीज भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। साइकोपैथ कौन होगा? जो मेंटली इल पर्सन को बोल देंगे साइकोपैथ, ठीक है। हाँ जी, होम्योपैथी, बिल्कुल सही। हेलो जितेंद्र, ठीक है। तो देखो अब आप ध्यान से सुनते जाओ, सब में आपने देख लिया कॉमन रूट वर्ड है, अब ध्यान से समझना। सिंपैथी क्या होगा? आप सामने वाले के दर्द को समझो, इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे सहानुभूति, टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर्स, ठीक है। स्लाइट सा डिफरेंस है सिंपैथी और एम्पैथी में। एंटीपैथी क्या होगा? दूसरे के दर्द को बिल्कुल ना समझना, इसको बोल देंगे इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक। हाँ जी विशाली, बहुत बढ़िया, एंटीपैथी हो जाएगा आपका इंटेंस डिसलाइक। एम्पैथी क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मूवीज देखते हो सारे के सारे? कोई ना कोई मूवीज तो देखते होगे, बोलो। हाँ हाँ जी, फटाफट से मुझे ये बताओ, मूवीज सब लोग देखते हो? अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो लास्ट में क्लाइमेक्स में जब हीरो शूट कर दिया जाता है तो आंसू किसके बह रहे होते हैं? कहने का मतलब है कि मूवी देखते टाइम आप लोग उस कैरेक्टर से इतना रिलेट कर जाते हो ना कि भाई स्क्रीन पे कोई इश्यू हो रहा है और आंसू यहाँ बह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एम्पैथी, सामने वाले के दर्द को अपना बना लेना, ठीक है, इसको कंपैशन। सिंपैथी आपका कंपैशन नहीं है, सिंपैथी में यू विल बी लाइक कि हाँ यू विल गेट फाइन, ठीक है, यू वॉन्ट सिट एंड क्राई विद दैट पर्सन, वो चीज होगी एम्पैथी में, कंपैशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया भाई, सिंपैथी और एम्पैथी? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब बात कर लेते हैं अपैथी की। अच्छा, इस अपैथी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक दो वर्ड्स और बता देती हूँ। सोशल का मतलब बताओ सारे, फटाफट से बताओ सोशल का मतलब। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल? सामाजिक, सामाजिक, मिलनसार, सामाजिक, चलो बहुत बढ़िया। समाजवादी, वो एक अलग हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, सामाजिक, करेक्ट। एंटी सोशल, हाँ जी, ये कौन होता है एंटी सोशल? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मिलनसार नहीं होगा वो एंटी सोशल हो जाएगा क्या? हाँ बहुत बढ़िया सुप्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बलप्रीत, बिल्कुल सही। देखो इंट्रोवर्ट नहीं, आप ये नहीं कह सकते ये एक्सट्रोवर्ट है और ये इंट्रोवर्ट है। एंटी सोशल इज असामाजिक। अच्छा अखबार में नहीं पढ़ते क्या कि फलाना फलाना पार्क में असामाजिक तत्व, मतलब ऐसा कुछ रीड किया होगा कभी? तो एंटी सोशल इज पर्टिकुलरली हार्मफुल टू सोसाइटी। हाँ जी, अगेंस्ट होंगे ये सोसाइटी के, क्लियर हुआ। अच्छा तो इंट्रोवर्ट कौन होंगे? आपने एक और वर्ड सुना होगा असोशल। हाँ जी, ऐसा कोई वर्ड सुना है असोशल, बताइए। हाँ जी, आपने एक वर्ड सुना होगा असोशल। हेलो, हाँ तो देखो ये पर्सन होगा सामाजिक, ये होगा असामाजिक। असोशल को समाज से ही फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, असोशल को समाज से ही फर्क नहीं पड़ रहा, समझ में आया? तो सेम पर्सन है अपैथी, ये अपैथी भी सेम है ना, तो इसको सिंपैथी से फर्क है ना, इसको एंटीपैथी से मतलब है, और ना इसको एम्पैथी से मतलब है, ठीक है। दिस पर्सन इज न्यूट्रल, असोशल पर्सन इज न्यूट्रल, क्लियर हुआ? नहीं, बोहो बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। बोहो तो अनकन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग है, वो अपने रूल्स पे चलता है, ठीक है। टेलीपैथी क्या होगी? टेली का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर करना, पैथोस, सफरिंग, थिंकिंग, ये सब एक में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने थॉट्स को बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर कर पाओ तो टेलीपैथी हो जाएगा। इनडिफरेंट, बहुत बढ़िया। आखिर समझ में आ गए सारे वर्ड्स? हाँ जी, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितने नए वर्ड सीखे इस एम्पैथी से कम भी 7? चलो एंथ्राल क्या होगा? एक ध्यान रखना, एंथ्राल के साथ आपकी प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है, फिक्स है ये। एंथ्राल, एंथ्राल का मतलब होता है टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है, टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, वो कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, हाँ जी। इक्वाइन क्या होगा? इक्वाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वाइन? What is the meaning of equine? Equine का मतलब होता है pertaining to horses, ठीक है? Equine का मतलब होगा pertaining to
हॉर्सेस करेक्ट। इक्विनॉक्स क्या होता है? देखो आपको लगेगा दोनों में सेम रूट वर्ड है लेकिन नहीं है, ठीक है। नहीं, शॉफर अलग पर्सन है। शॉफर तो वो पर्सन है जो मोटर कार्स को ड्राइव करे। इक्विनॉक्स होता है व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल उसको बोलेंगे इक्विनॉक्स, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। साल में ऐसे दो ही दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। 37th वर्ड आपके सामने है इरेटम। इरेटम क्या होता है? एन एरर इन प्रिंटिंग और राइटिंग। एन एरर इन प्रिंटिंग और राइटिंग, लिखने में या प्रिंट करने में कोई भी दिक्कत, उसको बोलते हैं इरेटम। 38th वर्ड है आपके सामने एसोटेरिक। एसोटेरिक को हिंदी में बोलते हैं गूढ़। हाँ जी, हिंदी में बोला जाएगा गूढ़। नोन टू अ फ्यू पर्संस, जो बात बहुत कम लोगों को पता हो उसको बोलेंगे एसोटेरिक, ठीक है। सीक्रेट, बिल्कुल सही। सीक्रेट से भी देखो, सीक्रेट एक अलग चीज है। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड वर्ड यूज करो जो बात कम ही लोगों के समझ में आए, ठीक है। एस्पियोनेज क्या होता है? आपका प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाई इन वॉर, ठीक है। युद्ध के टाइम पे अगर जासूसों को दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में जो है लगा देना, उसको बोलते हैं एस्पियोनेज। हाँ जी, एटेमोलॉजी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई रूट वर्ड से, ये क्या था? एटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड को कैसे डिराइव किया जाता है उसको बोलते हैं एटेमोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी राहुल, तो एक बात बताओ, ये जो बात थी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अच्छा ये बताओ महावीर स्वामी को कौन सा ज्ञान मिला था? कैवल्य। तो वो चीज क्या है? नोन टू अ फ्यू पर्संस, करेक्ट। बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे ये बताओ, ये आपके सामने 40 वर्ड्स थे, इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 40 वर्ड्स, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। 35th, इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब होता है पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, हॉर्स से रिलेटेड। अच्छा उस जगह को क्या कहते हैं जहां पे हॉर्स रहते हैं? हाँ जी, उस जगह को क्या कहते हैं जहां पे हॉर्स रहते हैं? स्टेबल। बहुत बढ़िया। अच्छा आपने एक वर्ड सुना होगा पुल योर हॉर्सेस, इसका क्या मतलब होता है? पुल योर हॉर्सेस, हाँ जी, इसका मतलब होता है बी स्टेबल। बी स्टेबल, पुल योर हॉर्सेस, बी स्टेबल। आप इसको याद रख सकते हो कि घोड़े कहाँ रहेंगे, अस्तबल, स्टेबल, तो बी स्टेबल। ओके चलो, 41st वर्ड आपके सामने है एक्सटॉर्शनिस्ट। अच्छा एक्सटॉर्शन क्या होगा? यहाँ पे इस आईएसटी को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ एक्सटॉर्शन क्या होता है? एक्सटॉर्शन मतलब छीनना, किसी भी चीज को छीनना। तो एक्सटॉर्शनिस्ट क्या होगा? अ पर्सन हु ट्राइज टू ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स। कोई भी अगर कोई छीनने की वो करें, हाँ जी, जोर जबरदस्ती वसूली, बिल्कुल। 42nd आपके सामने है फेसिमाइल। फेसिमाइल क्या होता है? कह सकते हो कन्फिस्केट के इन अ सेंस। हाँ जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फेसिमाइल जेरोक्स होता है, एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा, क्लियर हुआ? कार्बन कॉपी, करेक्ट। फास्टिडियस, फास्टिडियस, और मुझे इसका एक सिनोनियम बताओ क्योंकि वो सिनोनियम बहुत बार रिपीट हो चुका है, फास्टिडियस। हाँ जी, आपके सामने वर्ड है फास्टिडियस। हार्ड टू प्लीज, मेटिक्यूलस सुना होगा, मेटिक्यूलस जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, ठीक है। हाँ जी, फीकंड, 44th वर्ड है आपके सामने फीकंड, फर्टाइल। फीकंड होता है फर्टाइल, हाँ जी, फीकंड होता है फर्टाइल, क्लियर हुआ। अब जरूरी नहीं है ये सिर्फ लैंड के सेंस में ही हो यूज, ठीक है, जरूरी नहीं है कि धरती के सेंस में ही ये चीज यूज हो। सेलेक्टिव इन टेस्ट, हार्ड टू प्लीज, ये तो होगा राहुल, सेम ही तो मीनिंग है, वर्ड्स की शब्दों का जादू है, बस मीनिंग तो सेम है ना। फीम क्या होगा? 45th फीम क्या होता है बताओ? प्रिटेंडेड अटैक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरहद पे गोलीबारी करके आतंकियों को घुसाया जाता था, ठीक है, तो वो चीज क्या थी? अब वो गोलीबारी क्यों की जा रही है? सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो एक्चुअल अटैक तो है नहीं, क्या है? प्रिटेंडेड अटैक है, छद्म युद्ध इसको बोलते हैं।
तो उसको बोलते हैं फीड। समझ में आया भाई? हाँ जी, ध्यान से सुनते जाओ, याद रखने की कोशिश मत करो, आराम से आपको बिल्कुल याद रह जाएंगे। फाइडेलिटी, अच्छा कोई मुझे वाईफाई की फुल फॉर्म बताएगा? आप सब लोग यूज करते हो वाईफाई, क्या मतलब है इसका, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, पूछी भी जा सकती है। हाँ जी बलप्रीत, बहुत बढ़िया। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये होती है वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस फाइडेलिटी, हाँ जी, फाइडेलिटी होता है आपका फेथफुलनेस इन बिहेवियर, ट्रस्ट। ठीक है, तो अगर चीटिंग की बात होती है तो उसको इनफाइडेलिटी बोल दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया भाई, समझ में आया? चलो, फ्लूक, एक और वर्ड मुझे बताना, बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है। कॉमन एज कॉमन कहने का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स में। फ्लूक आपके सामने वर्ड है, किस्मत नर्ग। देखो, फ्लूक होता है अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक, सेरेंडिपिटी इसको बोल देते हैं भाई, करने कुछ जाओ और हो कुछ जाए। ठीक है, तो फ्लूक, सेरेंडिपिटी, अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक। फोरगोन, फोर का मतलब पहले, गोन का मतलब जा चुके, तो फोरगोन प्रीवियस, हैविंग गॉन बिफोर। ठीक है, एंसेस्टर्स के सेंस में ये चीज यूज की जा सकती है। रिनाउंस का मतलब तो छोड़ना होता है बलप्रीत। फ्रेट्रीसाइड, हाँ जी, आपके सामने वर्ड है फ्रेट्रीसाइड, 48 फिर से। फोरगोन, फोरगोन होता है प्रीवियस, शिवेंद्रा। ठीक है, फोर मतलब पहले, गोन मतलब जा चुके, तो प्रीवियस, हैविंग गॉन बिफोर। फ्रेट्रीसाइड क्या होगा बताओ? हाँ जी, आपके सामने वर्ड है फ्रेट्रीसाइड, क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। ये जो फ्रेट्री वर्ड है ना, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है ब्रदर। तो फटाफट से मुझे एक वर्ड और ऐसा बताओ जिसमें ये रूट वर्ड का यूज किया गया हो। फटाफट से मुझे एक वर्ड आप लोग ऐसा और बताइए जिसमें सेम रूट वर्ड का यूज किया गया हो। फ्रेटर्निटी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। फ्रेटर्निटी क्या मतलब है फ्रेटर्निटी का? भाईचारा, ब्रदरहुड। हेलो सबा फ्री, हाँ जी। तो देखो, बहुत बढ़िया। 50th वर्ड देखो, जर्मी साइड, क्या होता है जर्मी साइड, फटाफट से बताओ। हाँ, मैं ये सारे वर्ड्स कराती हूँ, जर्मी साइड बताओ पहले मुझे। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, कोई भी मेडिसिन जो जर्म्स को किल करे उसको बोलते हैं, हेलो दिव्या, जर्मी साइड। ठीक है, जर्मोफोब क्या होगा, जो जर्म्स में जिसको लेके एक्सेसिव फोबिया हो। गुड इवनिंग, अब मुझे फटाफट से ये बताओ मैट्रीसाइड क्या होगा, बताते जाओ मेरे को, पता है आप, मतलब आप सबको ये सारे वर्ड्स आते हैं तो फटाफट से बस बोलते जाओ, मैट्रीसाइड क्या होगा। एलर्जिक की स्पेलिंग क्या होगी अदिति? हाँ जी, हेलो, मैट्रीसाइड होगा मदर की हत्या। ठीक है, किसकी? मदर की, मैट्री यानी मदर, मैट्रियार्कल मातृ सत्तात्मक। पैट्रीसाइड क्या होता है? हाँ जी, पैट्रीसाइड, देखो किसी भी वर्ड के पीछे आपको साइड लिखा मिल जाए इसका मतलब ही होगा टू किल। पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ फादर, बहुत बढ़िया। सोरोरीसाइड क्या होगा? सोरोरीसाइड, किसकी हत्या होगी? सिस्टर की, हाँ जी। ठीक है, होमिसाइड का क्या मतलब होता है भाई? होमिसाइड, हाँ वेरी गुड अदिति, होमिसाइड का क्या मतलब होगा? ह्यूमन की, होमो सेपियंस, हाँ जी। जेनोसाइड क्या होगा भाई? जेनोसाइड हिंदी में बोल देते हैं नरसंहार, पूरी की पूरी रेस की हत्या, जैसे हिटलर ने नहीं किया था यहूदियों के ऊपर, बिल्कुल सही, नरसंहार, वन कम्युनिटी, बहुत बढ़िया, वंश हत्या। आप में से एक पर्सन ने यूज किया था युग्जोरीसाइड, क्या होता है मीनिंग? हाँ जी, युग्जोरीसाइड, किसकी हत्या होगी? वाइफ की, करेक्ट 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 करेक्ट। युग्जोरियस क्या होता है, प्लीज रिपीट। हाँ जी अदिति, आई विल रिपीट, पहले मुझे युग्जोरियस बताओ एक बार, मैं वर्ड्स लिखवा दूं फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगी। युग्जोरियस कौन होगा, कौन पर्सन होगा? हैंडपैक्ड इसको बोल देते हैं, हाँ जी, हाँ राहुल बिल्कुल सही, हाँ जी सुप्रिया, फूलिशली फॉन्ड ऑफ वाइफ, हाँ जी, हाँ क्या बताना है दिव्या? जोरू का गुलाम, करेक्ट।
ठीक है चलो देखो, मैट्रिसाइड माता की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, सोरोरिसाइड सिस्टर की हत्या, होमिसाइड किसी भी मनुष्य की हत्या, होमोसेपियंस, ठीक है, यूक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, यूक्सोरियस एक्सेसिव फॉन्ड ऑफ वाइफ, जेनोसाइड नरसंहार होता है, इसके अलावा मेरिटिसाइड। हाँ जी, मेरिटिसाइड क्या होगा फटाफट से बताओ, मेरिटिसाइड। प्रणाम पंकज। देखो सिर्फ हस्बैंड नहीं, स्पाउस की हत्या, स्पाउस में कोई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया राहुल। इसके अलावा आपके सामने एक वर्ड आता है रेजिसाइड। भाई रेजिसाइड क्या होता है, किसकी हत्या करोगे रेजिसाइड में, किंग की। बहुत बढ़िया, राजा की हत्या, वेरी गुड। फिटिसाइड क्या होगा, फिटिसाइड आपके सामने एक वर्ड है फिटिसाइड, इन्फेंट नहीं होगा, फिटिसाइड, फीटस की। बहुत बढ़िया, फीटस, देखो फोइटी नहीं बोलोगे इसको, फिटिसाइड बोलोगे, ये होता है फीटस, फीटस का मतलब होता है भ्रूण, तो फिटिसाइड हो गया भ्रूण हत्या। हाँ इन्फेंटिसाइड क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड क्या होता है, इन्फेंट की, शिशु की हत्या, ठीक है, एक से डेढ़ साल। पेरिसाइड, PARII, पेरिसाइड क्या होगा बताओ, पेरिसाइड क्या होता है, PARII, किलिंग ऑफ पेरेंट्स। हाँ जी बहुत बढ़िया, पेरेंट्स की हत्या, समझ में आया। हाँ जी ठीक है, चलिए ये आपके 50 वर्ड्स, हमने बहुत सारे वर्ड्स और भी सीखे, आगे बढ़ते हैं। 51st वर्ड आपके सामने है, हाँ जी ग्रेटेस्ट, 51st वर्ड आपके सामने है ग्रेटेस्ट, क्या मतलब होता है ग्रेटेस्ट का, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट। गलिबल, 52nd वर्ड, गलिबल होता है आपका इजीली डिसीव्ड, ये बहुत ही एक डेरोगेटरी वर्ड है गलिबल, इसका सिनोनिम बताओ फटाफट से, ऑनरेडी बिल्कुल, थैंक यू अदिति, गलीबल का फटाफट से मुझे क्रेड्यूलस, नहीं मैंने बता दिया, सिनोनिम बताओ क्रेड्यूलस, बहुत बढ़िया। ऋषभ, ऋषभ बोलेंगे ना, एम आई करेक्ट, हरैंग, ये क्या होता है 53rd, नाइव, नाइव बहुत पॉजिटिव वर्ड है आशीष, नाइव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, टायरो, कैलो, ग्रीन हॉर्न, नाइव, क्रेड्यूलस पॉजिटिव, देखो नाइव पॉजिटिव है, क्रेड्यूलस में यूं हो जाता है कि हाँ चलो, लेकिन गलीबल एक डेरोगेटरी में आ जाता है, समझ रहे हो मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। हेरेंग्यू बोलते हैं अनॉइजी एंड बॉम्बेस्टिक स्पीच को, हाँ जी अनॉइजी एंड बॉम्बेस्टिक स्पीच, अच्छा वो कौन पर्सन होगा, वो कौन पर्सन होगा जो ये स्पीच देगा, वो कौन पर्सन होगा जो ये स्पीच देगा, कोई पर्सन जो नॉइजी और बॉम्बेस्टिक स्पीच दे उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, डीमोगॉग, डिक्टेटर तानाशाह होता है डीमोगॉग, बहुत बढ़िया ऋषभ। बॉम्बेस्टिक मीन्स, कहने का मतलब है भड़काऊ भाषण, नाम नहीं लेना। 54th देखो हर्बेरियम, क्या होता है हर्बेरियम, नाम से ही पता लग रहा है हर्ब से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, हाँ जी तो हर्बेरियम होता है आपके सामने अ प्लेस फॉर दी कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, ड्राई प्लांट्स को हर्ब्स बोल सकते हैं बिल्कुल। हाइपरबोले, हाँ जी हाइपरबोले ये आपका फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, इन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, हाँ जी अलंकार, इन एग्जैजरेटेड स्पीच, इन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, अगर आप किसी को बोलो कि इतनी भूख लग रही है कि बिल्डिंग ही खा जाऊं, तो ये एग्जैजरेटेड है कि नहीं है, अब लिटरल मीनिंग तो नहीं हो सकता ना, इसका फिगुरेटिव मीनिंग है कि भाई बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, समझ आया। वर्बोज, वर्बोज एक अलग कैटेगरी है ऋषभ, वर्बोज का मतलब होगा फैंसी वर्ड्स का यूज करना, बड़ा चढ़ा के कहना, बहुत बढ़िया। इंपेरियस्ट क्या होता है, 56th, इंपेरियस्ट होता है वन हु ट्राइज टू कंट्रोल वीक कंट्रीज, वन हु ट्राइज टू कंट्रोल वीक कंट्रीज, उसको बोलेंगे इंपेरियस्ट, ठीक है। 57 देखो इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट कौन होगा, टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, अच्छा पीएफ मिलता है प्रोविडेंट फंड, फ्यूचर से रिलेटेड है तो इम्प्रोविडेंट, टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, हाँ जी हाँ जी विनय। 58 देखो इम्प्रूडेंट, अब ध्यान से समझना, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, इम्प्रूडेंट कौन होगा, नॉट शोइंग
केयर फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, समझदारी से जो काम ना करे, ठीक है. इम्प्रूडेंट कौन होगा, नॉट शोइंग केयर फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन. 59th देखना, इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी का क्या मतलब होता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट. एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, सब लोग मतलब फॉरेन रिलेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग. इम्प्यूनिटी क्या होता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट से छुट्टी मिल जाए. इनेन, 60th, इनेन. अच्छा ये वर्ड आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको लगेगा क्या ही मीनिंग है ना, इनेन क्या होता है, एग्जेनरेट कह सकते हो बिल्कुल. देखो एग्जेनरेट से भी ज्यादा सही रहेगा ओवरलुक करना, ठीक है. इनेन का मतलब होगा लैकिंग सेंस और मीनिंग, जिसका ना कोई सेंस हो ना कोई मीनिंग हो. इनेन जोक्स आप कह सकते हो, ठीक है, इनेन आर्ग्यूमेंट हो सकती है. हाँ जी, 61st वर्ड आपके सामने है, इंसेंडियरी. हाँ जी, इंसेंडियरी. अच्छा हैरी पॉटर किसी ने देखी है, उसमें एक स्पेल होता है इंसेंडिया करके कुछ. फूलिश, हाँ आपकी बार फूलिश हो जाएगा वैशाली. इंसेंडिया इसका मतलब है दैट विच कॉजेज लार्ज फायर, दैट विच कॉजेज लार्ज फायर. इंडिग्नेंट क्या होगा, 62nd, इंडिग्नेंट. इंडिग्नेंट होता है अनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाने वाला, और खासकर मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट पे. ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बात को लेके गुस्सा हो रहा है, लेकिन अनफेयर अगर कोई ट्रीटमेंट है तो उसको लेके इजिली अनॉयड आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. इनएक्सप्लीकेबल, 63rd वर्ड, इनएक्सप्लीकेबल. नाम से ही पता लग रहा है, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, ठीक है. इनएक्सप्लीकेबल, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके. हाँ जी, स्लाइड चेंज कर दी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रिफ्रेश कर लीजिए आप अपने एंड पे. इनएक्सप्लीकेबल होता है आपका विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. इंजीनियस और इंजेन्यूस, ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, ठीक है. तो ये आपका क्लोज टेस्ट में पूछे जाने के बहुत चांसेस है. तो इंजीनियस कौन होगा, स्किलफुल इन इन्वेंटिंग, क्लेवर, स्मार्ट, ठीक है. और इंजेन्यूस होता है इनोसेंट. तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आई है तो स्मार्ट है, यू है तो नाइव, इनोसेंट. हाँ जी, इंडिजीनियस होता है अखिल आपका जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं जो देश में ही बने, ठीक है, तो उनको बोलेंगे इंडिजीनियस, स्वदेशी. बहुत बढ़िया दिनेश, क्लियर हो गया. इंजीनियस इन जेन्युइन, लोकल नहीं बोलेंगे, लोकल भी एक अलग ही चीज हो जाएगी. लोकल थोड़ा सा डेरोगेटरी सा वर्ड आ जाएगा कि भाई लोकल, बट इंडिजीनियस इज लाइक कि हाँ वी आर प्राउड. इनइक्विटस क्या होगा, 66th है इनइक्विटस. ग्रॉसली अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग, टोटली कोई चीज अगर गलत है तो उसको बोलेंगे इनइक्विटस, ठीक है. जिसको क्विट कर देना चाहिए, जिसको क्विट कर देना चाहिए, ठीक है. इनटेंजिबल, अच्छा देखो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को बस टच करके चली जाए, मतलब ये तो ऐसे नहीं, जस्ट टच करके, ठीक है. तो टेंजिबल, जिसको टच किया जा सके. इनटेंजिबल दैट कैन नॉट बी टच्ड, बहुत बढ़िया वैशाली. एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबने पढ़े हैं, लव, हेट, फ्रेंडशिप, ठीक है. चलो इररिवोकेबल, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन हम इररिवोकेबल कह सकते हैं, अगर उस पर लिखा होगा जो वापस ना लिया जा सके, विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ठीक है. जैसे अभी रिसेंट में उन्होंने कहा ना कि हाँ जी ये जो सिटीजनशिप था उस एक्ट को इरिवोकेबल बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं ले सकते अपना डिसीजन, ठीक है. जैरगन, 69th. जैरगन क्या होता है, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन अ प्रोफेशन. अच्छा देखो डॉक्टर्स है वो पेशेंट से बात करेंगे तो अलग शब्दों में करेंगे, लेकिन अगर दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे होंगे तो वो अलग तरीके से करेंगे, वो अपने वर्ड्स यूज करेंगे, अपने वर्ड्स बोले तो जैरगन बोलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है. जाइब, जाइब के साथ आप जनरली एट का यूज करते हो, टेक अ जाइब एट, तो जाइब का मतलब होता है एन इंसल्टिंग रिमार्क, ठीक है, एन इंसल्टिंग रिमार्क. कोड वर्ड कह सकते हो, बट कोड वर्ड्स ये होते नहीं है. कोड वर्ड्स तो स्पेसिफिकली आप इन्वेंट करते हो कि अगर मैं कहूँ ए का मतलब सन है और डी का मतलब मून, तो ये कोड वर्ड्स हो जाएंगे. बट एक डॉक्टर की बात दुनिया के सारे डॉक्टर्स को समझ में आएगी ना, तो वो एक पर्टिकुलरली प्रोफेशन की बात हो जाएगी, ठीक है. तो जाइब का मतलब होगा आपका एन इंसल्टिंग रिमार्क. क्लियर हुआ.
चलो जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब होता है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स, अब ध्यान से समझना, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा और बिसाइड का मतलब होता है साथ, ठीक है, तो जक्स्टापोज यानी कि प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, दो चीजों को साथ रखना। लिबरिंथ, लिबरिंथ अ मेज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ पाथ्स, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेज और लिबरिंथ में, मेज वो होती है जिसके बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते हों, लेकिन लिबरिंथ में सिर्फ एक ही रास्ता होता है, समझ में आया। चलिए 73rd है आपके सामने, लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट क्या होता है, एनिग्मा बिल्कुल कह सकते हो, पजल, देखो थोड़ा सा डिफरेंस आप ऐसे समझो, पजल तो पीसेस को भी पजल बोल देंगे, लेकिन एक पजल को मेज तो नहीं कहा जा सकता ना, गेटिंग माई पॉइंट, तो आपको हल्का हल्का फिर सेंस समझने की जरूरत होती है कि आपने वो चीजें देखी है ना कि ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू ए कंप्लीटली। हां जी आयुषी, यूट्यूब पे भी होती है। लैपिडिस्ट क्या होता है आपका, वन हु कट प्रीवियस स्टोन्स, सॉरी प्रीशियस, ठीक है, प्रीशियस, वन हु कट प्रीशियस स्टोन, लैपिडिस्ट, जैसे कि डायमंड होता है, डायमंड की कटिंग कहां पे होती है, रशिया में मेनली, ठीक है, तो वन हु कट प्रीशियस स्टोन कह सकते हो। अनअकैडमी और प्रतियोगिता मंत्र। 74 देखो, लेक्सिकल, लेक्सिकल है रिलेटिंग टू वर्ड्स और वोकैबुलरी, रिलेटिंग टू वर्ड्स और वोकैबुलरी, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर कौन होगा फटाफट से बताओ, जौहरी बिल्कुल सही, लेक्सिकोग्राफर बताओ, एटिमोलॉजी तो डेरिवेशन वाला हो गया ना, लेक्सिकोग्राफर, हाँ जी, डिक्शनरी कौन कंपाइल करता है, बहुत बढ़िया सुप्रिया बिल्कुल सही, हाँ जी, डिक्शनरी को जो कंपाइल करे उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। लोप, लोप का मतलब क्या होता है, रन और मूव विद अ लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड, ठीक है, बड़े बड़े जो स्टेप्स है उससे भागना एक तरीके से, ठीक है। मैट्रिसाइड हमने कर ही लिया, किलिंग ऑफ वंस मदर। मेंडिकेंट होता है आपका बेगर, बेगर को बोलते हैं मेंडिकेंट, ठीक है। मिसेंथ्रोप, अब यहां से समझना कुछ वर्ड्स, इलोप अलग सिचुएशन है, अखिल, इलोप का मतलब होता है कि भाई ऑफ टू मैरी, किसी के साथ अगर आप शादी के लिए भाग जाते हो तो उसको बोलेंगे इलोप, भागकर शादी कर लेना, पॉपर भी कह सकते हैं बिल्कुल। मिसेंथ्रोप होता है आपका, देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं आपके सामने, एक तो वर्ड है मिसेन, मीजो बोल देते हैं जिसका मतलब ही होता है टू हेट, ठीक है, और एंथ्रोपो, एंथ्रोपो का, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, तो मिसेंथ्रोप वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पूरी की पूरी मानव जाति से ही नफरत करे, ठीक है। यहां से एक वर्ड निकल के आता है फिलेंथ्रोप, अब टू हेट है तो टू लव भी तो होगा ना, तो फिलो का मतलब होता है आपका टू लव, ठीक है, तो फिलेंथ्रोप कौन होगा, हु लव्स मैनकाइंड, लव का मतलब क्या, उनके बेनिफिट के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करे। मूट, अब ये आपका idiom के तौर पे भी आ सकता है, मूट पॉइंट, तो मूट पॉइंट होता है आपका डिबेटेबल पॉइंट, कोई भी चीज जिसपे बहस हुई, मतलब पॉसिबल बहुत ज्यादा हो जिसपे बहस। नेमेसिस, 80th, अब नेमेसिस को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, नेम से रिलेटेड कुछ होगा, बट नेमेसिस होता है अ डाउनफॉल कॉज्ड बाय वंस एक्शन, किसी के एक्शन के द्वारा अगर डाउनफॉल हो जाए तो उसको बोलेंगे नेमेसिस। मिजोगाइनिस, बहुत बढ़िया राखी, देखो सेम रूट वर्ड है, हेट, गायने का मतलब होता है विमेन, अब आपने देखा होगा गायने डिपार्टमेंट होता है उसमें, सॉरी हॉस्पिटल्स में, ठीक है, तो गायने का मतलब होगा विमेन, गायनोकोलॉजिस्ट जो फीमेल एलिमेंट्स को ट्रीट करे, तो मिजोगाइनिस्ट वन हु हेट्स विमेन, जो विमेन काइंड से ही नफरत करे। 80th होता है नेमेसिस, जिसके द्वारा आपका पूरा पतन हो जाए, डाउनफॉल का मतलब होता है पतन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT, ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप UPSC, SSC, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, NEET किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।